लक्ष्मीनारायण का जोरदार जयकारा। बोलेगी जय भगवान की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वर्गीय कर्नल किरण सिंह बैसला जी के सुपुत्र बड़े भाई साहब विजय जी बैसला साहब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। भामरवास विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी मीणा साहब और कार्यक्रम में आपके बोली के प्रधान छोटे भाई कृष्ण गोस्वाल जी। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि चाकसू से हमारे किशन जी नेकाड़ी साहब जो श्री देवनारायण भगवान के इस मेले में बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज स्वर्गीय कर्नल किरण सिंह बैसला साहब की मूर्ति को भी आज उद्घाटन है, मूर्ति की स्थापना है। तो श्रीमान किशन जी नेकाड़ी साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। 26 की मूर्ति, 26 की मूर्ति स्वर्गीय कर्नल किरण सिंह बैसला जी की यहाँ पे लगवा रहे हैं। हमारे ऐसे बामा साहब नेकाड़ी साहब विजय जी सरपंच साहब गंगापुर से रामकेश जी शंका साहब सभी का नाम लूंगा तो समय ज्यादा हो जाएगा। सम्मानित मंच और आज इस मेले में पधारे हुए पिता तुल्य मेरे सभी बड़े बुजुर्गों आदर और सम्मान के योग्य मेरी माताओं बहनों और सभी मेरे नौजवान युवा टाइगर साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मेला कमेटी को कि इस मेला कमेटी ने जिस प्रकार का जोश और उत्साह के साथ सभी अतिथियों का स्वागत और मान और सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस मेला कमेटी को। साथियों, इससे भी पहले मुझे इस मेले में आने का कई बार सौभाग्य मिला है। हमेशा जब भी आप लोगों ने मुझे इस मेले में बुलाया है और इस मेला कमेटी ने जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है उसको मैं आपका क्षेत्र का होने के नाते मैंने जो भी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी मैंने उसको बखूबी से निभाया है। आगे भी ये जो मेला कमेटी है ये हमारे क्षेत्र के भगवान श्री देवनारायण जी का बहुत अच्छा यहाँ पर मंदिर है। जब भी ये कमेटी मुझे जिम्मेदारी देगी उसे मैं फिर आगे भी बखूबी से निभाऊंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, हमने देखा है, हमने सब चीजें देखी है, गरीबी भी देखी है, अमीरी भी देखी है। हम गरीबी से निकलने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो मैं तो आज इस मेला में जितने भी लोग पधारे हैं, अभी भाई साहब राजेंद्र जी का मैं भाषण सुन रहा था, मेरा दिल गदगद हो गया। मेरे समाज के सरदारों, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो आप सभी, जो समाज की बात करेगा वो समाज का नेता होगा, इस समाज का नेता होगा। मैं कांग्रेसी हूँ, आज मैं इन सब भाजपा वालों के बीच में आया हूँ, आप ये मत समझना हाँ मैं कांग्रेसी रहूंगा, लेकिन जब तक जो इस समाज की बात करेगा उसके साथ ये समाज हमेशा खड़ा रहेगा। मैं इसका आप सबसे कहने जा रहा हूँ। अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि जब तभी समाज के साथ अन्याय होगा हम कंधे से कंधा मिला के इस समाज के साथ खड़े रहेंगे। तो मैं भी आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस समाज के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े रहोगे तो आगे भी ये समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा। ये एसटीसी के जो गुजर समाज की बात करेगा गुजर समाज उसी के साथ रहेगा। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण करने में यहाँ नहीं आया, मैं आप सबका आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं मेरी पार्टी की ओर से आज मुझे भी ये मंच साझा करने का मौका मिला है। हमेशा हम तो पार्टी की बात करते हैं लेकिन आज यहाँ राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, ये सामाजिक मंच है, समाज की बात होनी चाहिए, गुजर समाज की यहाँ पर बात होनी चाहिए क्योंकि ये सामाजिक मंच है। और इस महीने में मैं भगवान श्री देवनारायण से आज यही कामना करूंगा कि आप सब आगे बढ़ो, भगवान आपको अच्छी पैदावार दे, आप आगे बढ़ो। कर्नल साहब कहा करते थे कि हंसते रहो कहते साहब और छाए रहो, कर्नल साहब कहा करते थे कि छा जाओ और छाए रहो। आज उनके सुपुत्र विजय जी बैसला साहब आज आपके बीच में पधारे हैं। साथियों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर समाज की अगर कठोरता से अगर कोई बात करने वाला है तो ये लाल पगड़ी आपके सामने, इस लाल पगड़ी का सम्मान करना सीखो, ये लाल पगड़ी उतनी ताकत के साथ आपके आपकी बात को उठाएगी। अभी बड़ा इनका सौभाग्य था अपना कि अगर ये विधानसभा चाहते तो आज कभी फटकार करके इस समाज की बात करते, लेकिन दुर्भाग्य था कि कुछ वोटों से चुनाव हार गए, फिर भी आगे अगर समाज में एकता रही तो ये समाज के अंदर अगर एकजुटता रही तो जरूर
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है राजस्थान के अंदर, अभी गुजर समाज को जो चीज मिलनी चाहिए थी वो चीज नहीं मिली। आपके अंदर अगर ताकत और एकता रहेगी तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो देवनारायण मौर्य हो, चाहे वो सांसद कर्मी गण हो, वो आपके समाज के व्यक्ति को मिलेगा। आपके अंदर एकजुटता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। इतना ही मैं आप सबको कहने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हाँ। जनता ने भी दिखा हो साहब थोड़ा सा अंडी सामने ये बात। अबे मैं ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूँ, राम जी के लिए ताली जोर से भाई। इनकी तरफ से 2.5 लाख रुपए नगद के प्राप्त हो चुके हैं साहब, मुरली राम जी की तरफ से। कमेटी के सदस्य 3-4 आदमी और मुरली राम जी का स्वागत करो सर। राम साई जी छावड़ी नादान जी अपने चालो जी फिर आगे। हाँ बैठ जाओ भाई, पाचल सारा बैठ जाओ और इस साइड से बैठ जाओ तो पछाड़वान दिख जाओगा। जब बैठ जाओ भाई आप सब सो हाथ जोड़ निकलेंगे थे कैला जी ने स्थापित सामने खड़ा कराऊंगा, राम राम करवाऊंगा, पर बैठो आराम से क्यों लंबो कार्यक्रम थे। हाँ साहब, अब इनके बाद में श्रीमान राजेंद्र जी, मीना साहब भाजपा प्रत्याशी, इनके स्वागत के लिए रामनिवास जी सरपंच साहब और आरकेश जी रामतार जी लावड़ा, इनो आदमी थोड़ी घनी दौड़ में पाखेरी एड़ा थे नत्र का आज अपना ये विधायक रहता राजेंद्र जी। थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। वासम हमें अब एक ऐसे भामाशाह का नाम ले रहा हूं आपके सामने। अब यह की रकम को तो मैंने भी अंदाज को कतरों को लगा दिया, ये तो ये बताओगा तो ये भी सबसे बड़ा भामाशाह है गणती में। श्रीमान कसन जी पोसवाल नेकाड़ी साहब आप आइए, आपके स्वागत के लिए कमेटी अध्यक्ष जी और सदस्य कमेटी के जो भी सदस्य हैं मेवा राम आप भी आ जाओ। नीचे देख गाजी थे आ जाओ गाड़ी।